आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि शराब जितनी पुरानी होती है उतनी ही बढ़िया होती है। ऐसे में ज्यादातर लोग इस बात को तकरीबन मान भी चुके हैं, मगर सवाल ये है कि क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में शराब की एक्सपायरी डेट नहीं होती? बने रहिए इस वीडियो में, शराब की एक्सपायरी डेट से जुड़ी सारी जानकारी देंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। आपने खाने पीने की हर चीज पर एक्सपायरी डेट जरूर देखी होगी, पर शराब के मामले में ऐसा माना जाता है कि जितनी पुरानी शराब उतनी अच्छी क्वालिटी। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पूरी तरह से सच नहीं है। यह आधा सच है, यानी कि शराब की भी एक्सपायरी डेट हो सकती है। हालांकि शराब एक्सपायर होगी या नहीं ये उसके टाइप पर डिपेंड करता है। कुछ शराब ऐसी होती हैं जिनकी एक्सपायरी डेट नहीं होती, जबकि कुछ शराब ऐसी होती हैं जो कुछ महीनों सालों के बाद खराब हो जाती हैं। शराब को सेल्फ स्टेबल माना जाता है, यानी अगर शराब को खोला ना जाए तो वो लंबे समय तक चलती है। इसमें स्प्रिट कैटेगरी की शराब आती है, जैसे जिन, वोडका, विस्की, टकीला और रम। ये शराब डिस्टिल्ड होती है, साथ ही इनमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है। जब तक बोतल खुलती नहीं है तब तक ये शराब ऑक्सीजन के साथ संपर्क में नहीं आती और लंबे समय तक खराब नहीं होती। हालांकि बोतल खुलने के बाद भी ये शराब खराब नहीं होती, बस इनके रंग और टेस्ट में थोड़ा बदलाव आ जाता है। दरअसल शराब में अल्कोहल की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उसकी सेल्फ लाइफ उतनी ही ज्यादा होगी। एक्सपायर होने वाली शराब में बियर और वाइन आती है। दरअसल ये शराब डिस्टिल नहीं होते और इनमें अल्कोहल की मात्रा भी कम होती है, जिनके चलते इनकी एक्सपायरी डेट होती है। ऐसे में इन्हें एक निश्चित समय से पहले ही पीना होता है। एक सीलबंद बियर की सेल्फ लाइफ 6 से 8 महीने की होती है, हालांकि फ्रिज में रखने पर इसकी सेल्फ लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। ऐसे बियर जिनमें अल्कोहल की मात्रा 8% से ज्यादा होती है वो लंबे समय तक पीने लायक रहती है। अगर वाइन की बात करें तो एक अच्छी वाइन के टेस्ट को स्मूथ करने के लिए इन्हें कुछ सालों तक बैरल में बंद रखा जाता है। इससे इनके टेस्ट में सुधार आता है और इनकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। वहीं एक नॉर्मल और सस्ती वाइन को 2 साल के अंदर अंदर पी लेना चाहिए। दरअसल वाइन में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसे में इसके खराब होने की संभावना भी ज्यादा होती है। इस वीडियो में इतना ही। कुछ नया जाना हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।